हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम टॉपिक देख रहे थे पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, मैटर का नेचर एंड बिहेवियर। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या होते हैं पदार्थ और क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब उसी क्लास को आगे करते हुए, ठीक है, हम और कुछ नए इस चैप्टर को आगे करते हुए हमें कुछ और नए के टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हमारे चारों ओर के पदार्थ। अब हम लोगों ने पढ़ तो लिया कि पदार्थ क्या होते हैं, क्लियर। हम लोगों ने देखा कि हर एक वस्तु जो स्थान घेरेगी, ठीक है, और जिसका एक द्रव्यमान होगा वो होगा पदार्थ। अब हम अपने चारों ओर के पदार्थों को ऑब्जर्व करते हैं कि पदार्थ में भी क्या है। अगर आप देखेंगे, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, रेत में चुंबक। अगर आप रेत में चुंबक डालते हैं तो आप देखेंगे कि रेत में जितने भी लोहे के कण हैं वो उससे अलग हो जाएंगे और जाके चुंबक पे चिपक जाएंगे, है ना। ऐसा होगा कि नहीं। चुंबक की प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या करता है, लोहे को अट्रैक्ट करता है। तो आप रेत में किसी भी चुंबक को घुमा के देखिए तो रेत में जितने भी लोहे के कण होंगे ना वो सब क्या होंगे, वो चुंबक में आकर चिपक जाएंगे, ठीक है। पानी, पानी पानी आप कभी कभी देखिए, जब पानी कभी उड़ जाता है, रखा है आप रखे रखे हुए देखते होंगे कि अगर एक हफ्ता हो गया या फिर 5 दिन हो गया, पानी कभी उड़ गया तो उसमें क्या होता है, पानी के रखे हुए से एक सफेद लेयर बन जाता है, सफेद परत जम जाती है। पानी में एक सफेद परत जम जाती है पानी के उड़ने पर, क्लियर है ना। ऐसा होता है, देखने को मिलता है। उसी तरह से आप देखें कि समुद्री जल में क्या होता है, समुद्री जल का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। समुद्री जल में आप देखे होंगे कि NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। उसका अगर हम आसवन करें, ठीक है, समुद्री जल एक पदार्थ है, उसमें क्या मिला हुआ है, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हम आसवन विधि से करें तो हम क्या करते हैं, आसवन विधि से भाप निकाल के, ठीक है, भाप करके हम क्या NaCl को उससे अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके पास एग्जाम्पल है शीतल पेय जल का, ठीक है। शीतल पेय जल जो पीने का पानी है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है शुगर, उसमें होता है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सब को भी हम क्या कर सकते हैं, हम इन सब को भी अलग कर सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर जो पदार्थ हैं, रेत में चुंबक, पानी में कभी कभी क्या होता है, पानी जब उड़ जाता है तो सफ़ेद रंग के कण हमें बर्तन में दिखाई देने लगते हैं, और आसपास जो अधिकतर वस्तुएँ हैं, उसमें आप देख पा रहे हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं, ठीक है। रेत में चुंबक देख लीजिए, रेत में बहुत सारे लोहे के कण हैं आप देख पा रहे हैं। पानी में सफेद परत, मतलब पानी में ऐसा कुछ तो मिला हुआ है ना जिसकी वजह से सफेद परत पानी के उड़ने पर बच जा रहा है। समुद्री जल आप भाप बढ़ा के उड़ा दीजिए तो हमको NaCl मिल रहा है, तो मतलब उसमें भी कुछ मिला हुआ है। शीतल पेय जल देखेंगे तो उसमें शुगर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लियर, और क्या है उसमें, उसमें है NaCl। तो इन सबको हम देख पा रहे हैं कि हम किसी ना किसी मेथड से इनको अलग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं, पदार्थ या अवयव। तो मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं जिसे हम भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं, है ना। जो भी हमारे फिजिकल मेथड्स हैं, चाहे आसवन विधि हो, चाहे भाप से उड़ाना हो, चाहे ये आपका चुंबक वाला है, ठीक है, ये जो भी भौतिक विधि है इसकी हेल्प से हम उनको अलग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका मिश्रण का, हमने क्या देखा कि ये सब क्या है, जितने भी पदार्थ हैं उसको में क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक या एक से अधिक पदार्थ हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं मिश्रण। तो आइए समझते हैं मिश्रण का डेफिनेशन, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि हर एक वो एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, जिसमें एक से अधिक पदार्थ होंगे, जो मिश्रण होता है, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं जिन्हें सामान्यतः साधारण भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ, या ब्रैकेट में मैं लिखूं अवयव,
होते हैं जिसे भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मिश्रण क्या है। मिश्रण में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ होता है, अवयव बोल सकते हैं, जिसे भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो हमने एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि हर एक वो चीज, ठीक है, मिश्रण है। मिश्रण क्या है, तो एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ये क्या होते हैं, मिश्रण। अब मिश्रण भी जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण के प्रकार देखते हैं, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के प्रकार देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। देखते हैं क्या है वो एक्सपेरिमेंट। एक बीकर लेना है, 100 ml वाटर, इसमें आप डालेंगे शक्कर, ठीक है। एक दूसरा बीकर लेंगे जो कि 100 ml वाटर रहेगा, इसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच नमक, ठीक है। एक और बीकर लेंगे अपन, ये 100 ml ऑफ वाटर है, प्लस इसमें हम डालेंगे चॉक का पाउडर, ठीक है। और एक और बीकर 100 ml ऑफ वाटर, और इसमें हम डालेंगे, इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालने वाले हैं 10 की बूंद। क्लियर? ये जो हमने ये जमाया हुआ है, ठीक है, ये जो बीकर है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से स्टीर करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे, उसके बाद इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं। तो कुछ देर पे रखने के बाद आप क्या देखेंगे कि शक्कर, और जो शक्कर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर में, पूरी तरह से फैल जाएगा। जो नमक है वो पूरी तरह से वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जो चॉक का पाउडर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, वो पानी की सरफेस पे तैरता रहेगा। उसी तरह आप तेल की बूंद को भी देखेंगे तो वो वाटर पे पूरी तरह से नहीं, समान रूप से वितरित नहीं हो पाएगा, असमान रूप से वितरित रहेगा, मतलब वो ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं जो समान रूप से, ये जो अवयव है वो समान रूप से वितरित हुए और ये असमान रूप से वितरित हुए। इसी आधार पर मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला टाइप है इसका समांगी मिश्रण, जिसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है इसका, जो दूसरा टाइप है इसका, वो क्या है, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। क्लियर? तो विषमांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि समांगी मिश्रण मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर, ये जब ये आप क्या देख रहे हैं, जैसा कि का और ये वाला और ये वाला, ठीक है, नमक और शक्कर वाला, ये वाला जो मिश्रण है, इसमें क्या है, जो अवयव है, जो पदार्थ है, वो पूरी तरह से समान मात्रा में वितरित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण मतलब ऐसे मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें जो अवयव है वो समान रूप से वितरित होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिश्रण। इसका डेफिनेशन में जो बोल रहे हो आप लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, विषमांगी मिश्रण, या फिर मैं कहती हूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या है, आप एग्जांपल इसमें देख सकते हैं कि वो जो अवयव, ऐसे अवयव, मिश्रण के ऐसे अवयव, ठीक है, जो मतलब जो विलयन है, ठीक है, ये जो वाटर है उसमें असमान रूप से वितरित होते हैं, समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, या फिर हम कहें कि वो दिखाई
दिखाई देते हैं, आप देखेंगे तो चौको पाउडर दिखाई देता है, ठीक है, और असमान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है। तो जो अवयवी पदार्थ है इसमें अलग अलग दिखाई देंगे, इसमें अवयवी पदार्थ अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, तो समांगी मिश्रण मतलब समान रूप से वितरित हो जाएगा, और असमांगी मिश्रण सॉरी विषमांगी मिश्रण या हेटरोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसके अवयव पूरी तरह से एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं, और विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके अवयव मतलब ये लेंगे जो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं अलग अलग दिखाई देते हैं वो क्या कहलाएंगे, विषमांगी मिश्रण। इस तरह से हमने देखा कि मिश्रण के प्रकार, तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारा आपका तीसरा एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है आप लोगों को, इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको करना ये है, आप क्या करेंगे, चार बीकर, तीन बीकर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका बीकर, इसमें क्या करना है आपको, 100 ml ऑफ वाटर, इसमें आप क्या करेंगे, शुगर डालेंगे, शुगर, ठीक है। एक दूसरा बीकर है, ये भी 100 ml ऑफ वाटर इसमें, और इसमें क्या डालेंगे, चौका, इसमें हम डालेंगे दूध, ठीक है, दूध या स्याही की बूंद, हम यहाँ पे दूध लेके चलने वाले हैं, ठीक है। और फिर जो तीसरा बीकर है ये भी 100 ml ऑफ वाटर का, इसमें हम डालेंगे चौका पाउडर। करना क्या है आपको, ये जो हम लोगों ने मिश्रण लिया है पानी और शुगर का, पानी और दूध का, पानी और चौक के पाउडर का, इस मिश्रण को आप पहले अच्छे से स्टीर कीजिए, हिलाइए, हिलाने के बाद इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दीजिए। रखने के बाद हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना है, हम क्या, मैं इस सॉल्यूशन को क नाम दे देती हूँ, इस सॉल्यूशन को ख नाम दे देती हूँ, और इस सॉल्यूशन का नाम ग, ठीक है। तो ये कैसा है, ये क है, ये क्या है, ये ख वाला जो मिश्रण हमने रेडी करके रखा था कुछ देर के लिए, और ये है आपका ग वाला बीकर, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जब हम लेजर लाइट या फिर बीम लाइट इसमें पास करते हैं, ठीक है, तो जो लाइट है वो इस समांगी मिश्रण है ना, हम लोग को पता है नमक और पानी, जो शुगर और पानी का जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण है, इस समांगी मिश्रण से पास नहीं होगा, लेकिन हम देखेंगे कि वो दूध और पानी का जो मिश्रण है, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, विषमांगी मिश्रण, उससे पास होगा। और वहीं मैं अगर चौक के पाउडर वाले से कहूं तो ये क्या होता है, बहुत चौड़े रूप से मतलब प्रकाश की लाइट इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रकाश का, अगर आप उसमें देखेंगे कि वो विजिबल है कि नहीं, तो क में नहीं होगा, ख में है, और ग में ये पूरी तरह से विजिबल है, क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम ये जो टीम हमारे वो है उसको हम इस आधार पे बांटते हैं। पहले मैं लिखूंगी, छानकर आप अलग कर सकते हैं क्या, छानकर आप अलग कर सकते हैं ये जो मिश्रण है तली में बैठता है या नहीं, तली में बैठता है या नहीं, और थर्ड वन हम देखेंगे इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश, प्रकाश की किरण या रे ऑफ जो लाइट है वो दिख रहा है कि नहीं, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, ये जो क वाला है ख के लिए ये बॉक्स है और द के लिए ये बॉक्स है। तो क में मैंने आपको बताया, आप नमक और शक्कर और पानी के घोल को आप अलग कर सकते हो क्या, तो आप इसको छान के अलग नहीं कर सकते। तली में बैठता है क्या, शक्कर और पानी को घोलते हैं तो शक्कर नीचे बैठ जाता है, ऐसा नहीं होता, वो पूरी तरह से घुल जाता है, तो ये भी नहीं। इसमें से बीम ऑफ जो लाइट है वो पास हो रही थी, नहीं हो रही थी, इसलिए ये भी नहीं हो रही है। चलिए अब देखते हैं, ये जो ख वाला सॉल्यूशन है, जो दूध और पानी का जो मिश्रण था, सॉरी सॉल्यूशन नहीं मिश्रण हम ले रहे हैं, तो क्या दूध और पानी को अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा
जा सकता। क्या दूध और दूध में पानी डालो या फिर पानी में दूध डालोगे तो दूध नीचे बैठ जाता है क्या? नहीं होता ना, तो ये भी नहीं होगा। प्रकाश की किरण आप देख पा रहे हो, यहाँ जो बीम ऑफ लाइट है, प्रकाश यहाँ पे दिख पा रहा है आपको, इस विलयन से सॉल्यूशन से इससे निकलता हुआ दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, क्लियर। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये जो ग वाला जो मिश्रण है जिसमें हमने क्या डाला है, 100 ml वाटर है और उसमें क्या डाला है हमने, चौक का पाउडर डाला हुआ है। तो आप इसको छन्ना पत्रक जो होता है, एक पेपर होता है, उसकी सहायता से इसको छान के अलग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, और आपको चौक की जो रेसिड्यू है, जो पाउडर है, वो पाउडर फॉर्म में उसमें जमे हुए मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ देर के लिए अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये आपको तली में भी बैठा हुआ मिलेगा, ठीक है। और तीसरी बात, इसमें बीम ऑफ लाइट जो है, इसमें जो पदार्थ के कण है वो इतने बड़े बड़े हैं कि ये प्रकाश को और स्कैटर करते हैं, और इसलिए ही जो प्रकाश की किरण है इसमें हमें चौड़ी रूप से मिलती है, चौड़ी रूप से दिखाई देती है। तो इस हिसाब से हम लोग क का जो आपका मिश्रण क है उसका क्या लिखेंगे कि क के मिश्रण में अवयवों के कण दिखाई नहीं देते हैं, इसको छान के अलग नहीं किया जा सकता है, ये तली में नहीं बैठता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे, ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, और इसमें क्या है, प्रकाश का पथ जो है, प्रकाश का पथ लिख देते हैं इसे, प्रकाश का जो पथ है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, ऐसे मिश्रण को कहेंगे हम विलयन। और वहीं अगर हम इस मिश्रण ख की बात करते हैं तो ऐसे मिश्रण जिनको छान कर अलग नहीं किया जा सकता और जो कुछ देर रखने पर तली में नहीं बैठते हैं और प्रकाश का पथ इनमें से, लेकिन ये विलयन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है, ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, कोलाइड या कहें कलील, क्लियर। तो ये क्या हो गया ख का, ठीक है। अब इसी तरह से ग का देखेंगे तो ऐसे मिश्रण, ठीक है, जो जिनको छान के अलग किया जा सकता है, तली में ये बैठता है ना, और इसमें से प्रकाश का पथ बिल्कुल क्लियरली विजिबल रहता है, इसके कण ही इतने बड़े होते हैं कि इसका जो प्रकाश का पथ है इसमें हमें एकदम चौड़ा दिखेगा, जितना सकरा इसमें दिखेगा, क्योंकि इसके जो अवयव है, जो इसके पदार्थ के जो कण है वो क्या है, बड़े बड़े हैं। तो इस तरह से ऐसे उसको हम क्या कहेंगे, निलंबन, क्लियर। तो मैंने क्या किया, इन आधार पर ही इसे 3 भाग में बांट दिया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, विलयन, कोलाइड, कलील और निलंबन, क्लियर हुआ आपको, हमने क ख ग से इसको 3 तरह से बांटा है, ठीक है। अब मैं क्या कहेंगे कि दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है ना, ये क्या है, समांगी मिश्रण है ना, इसमें जो पदार्थ के अवयव है समान रूप से वितरित है, तो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और दो पदार्थों के, ये पहला पदार्थ दूध और दूसरा पदार्थ पानी, तो दो पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को, दो पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को कोलाइड या कलील कह रहे हैं, और उसी तरह से ही दो पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को हम क्या कह रहे हैं, निलंबन कह रहे हैं। ये तो प्रॉपर्टी के आधार पर हमने निलंबन को अलग किया है, और हम क्या देख रहे हैं, और प्रॉपर्टी के आधार पे ही हमने जो कोलाइड है उसको भी अलग किया है, नहीं तो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन, और दो पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को, दो पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को या तो हम कहेंगे कोलाइड या फिर हम कहेंगे निलंबन, क्लियर हुआ आपको। इस तरह से आज की क्लास में हमने सीखा कि मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ जिनको हम भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ क्या होंगे, मिश्रण कहलाएंगे, ठीक है। और फिर हमने देखा मिश्रण के प्रकार, तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर। उसके बाद हमने देखा है, ये इस एक्सरसाइज के हेल्प से हमने समझने की कोशिश की कि विलयन क्या है, कोलाइड कलील क्या है और निलंबन क्या है। आई होप आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।
पॉजिटिव। थैंक यू।